सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते चक दी टीवी दे प्रोग्राम पख दियां खबरां दे विच तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम च कुछ ताज़ा तरीन खबरां ते कुछ अहम मुद्दियां दे उत्ते करांगे असी चर्चा। कोशिश यह रहिंदी है कि भावपूरत विस्थारत ते सकारात्मक चर्चा की जाए ताकि चाहे खबर होवे या फिर कोई अहम मुद्दा होवे उहदा सच उहदी हकीकत खुल के तुहाडे सामने आ सके। और इस कोशिश के स्टूडियो मेरे नाल मौजूद रहिंदे ने उगे साहित्यकार ते सीनियर पत्रकार देसराज काली जी। काली जी जी आया कहने प्रोग्राम दे विच। मेहरबानी जी, थैंक यू। इस तों अलावा सीनियर पत्रकार राकेश आनंद भी साडे नाल मौजूद रहणगे। आनंद जी, तुहानू भी जी आया कहने। थैंक्स जसवीर। शुरुआत इस प्रोग्राम की करते हैं आपां सुप्रीम कोर्ट दे विच अज तीन अहम मामलों दे विच तीन अहम फैसले सुनाए गए ने और उन्हां फैसलों का मौजूदा परिस्थितियों के उत्ते खासा प्रभाव पैण वाला है। प्रभाव इस करके पैण वाला है क्योंकि सीधे तौर पर यह फैसले सियासत को भी भारतीय सियासत को भी प्रभावित करते नज़र आएंगे। इन फैसलों के पहला फैसला जिहड़ा वो है आधार कार्ड लाजमी होवे या ना लाजमी होवे, क्योंकि सरकार ने तो कहता कि भाई हर सरकारी सुविधा लैने लई तुहानू आधार कार्ड तुहाडे कोल होना जरूरी है, चाहे मोबाइल नंबर लेना है उहदे लई, चाहे बैंक च खाता खुलवाउणा है उहदे लई, या फिर होर सुविधावां लैणियां, आधार कार्ड होना बेहद लाजमी होवेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने अज थोड़ी जी इस मामले दे विच ढिल दित्ती है और सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दे मुताबक मोबाइल दे मामले दे विच ते बैंक खात्यां दे मामले दे विच आधार हुण लाजमी नहीं होएगा। हालांकि पैन कार्ड आई डी रिटर्न नूं लैके आधार कार्ड लाजमी जिहड़ा वो कीता गया। इस तों अलावा दूसरा फैसला जिहड़ा अहम फैसला आ वो राखवेंकरण दे विच जिहड़ी आ वो तरक्कियां दे मामले दे विच जिहड़ा राखवांकरण सीगा उहनूं लैके फैसला सुनाया गया और एक पुराने फैसले दे उत्ते जिस तरीके नाल पटीशन पाई गई सीगी और जिस तरीके नाल उहदा रेड़का बन्निया जा रिहा सीगा उन्हों विराम लाते हैं थोड़ियां बहुतियां तब्दीलियां करके उद्दे भी असं विस्थार जी चर्चा करेंगे। और नाल दी नाल एक अहम पहलू इस फैसले दे विच तीसरा जो फैसला सीगा वो ये है कि हुण चाहे हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है उहदी अदालती कार्रवाई अदालती फैसलों का लाइव टैलीकास्ट होया करेगा। ये तीन बेहद अहम नुक्ते ने जिन्हां दे उत्ते असीं फिलहाल चर्चा शुरू करन जा रहे हैं। सब तो पहला तो जे असी गल करिए आधार कार्ड की, देसराज काली जी, आधार कार्ड नूं लैके कई तरह दीआं गल्लां, कई तरह के शंके और कई तरह के प्रमाण निकल के सामने आए सी कि भाई तुहाडा डेटा जिहड़ा वो सुरक्षित नहीं आ आधार कार्ड के नाल। तुसीं आधार कार्ड का नंबर दे दिंदे हो तो उस तों बाद कुछ भी हो सकता, तुहाडी निजी जानकारी जिहड़ी आ वो जनतक हो सकती जां चोरी की जा सकती है, वरती जा सकती है। सरकार तां वी उहदे ते अडिग रही, एक पत्रकार इहदे बारे खुलासा करती है कि भाई आधार कार्ड का डेटा इंज चोरी हो रहा, उल्टा उहदे उत्ते एफ आई आर दर्ज कर दी जाती है, सरकार फिर पिछे नहीं हटती। हुण सुप्रीम कोर्ट जदों कहती है कि तुहानू मोबाइल फोन या फिर बैंक खात्यां दे नाल आधार कार्ड देना लाजमी नहीं होएगा, उन्हां परिस्थितियां दे विच सीधे तौर पर कह सकते हैं कि घट्टो घट केंद्र की बीजेपी सरकार लई 2019 दे विच एक पैर पिछे खिंचण दा सबब यह फैसला जरूर बन गया। या उन्होंने एक चेक लग ही गया ना लगभग, जिस तरीके दे नाल सरकार बजिद है और सरकार ऐसे ऐसे फैसले, डाटा लीक भी हो जाता, वो करके भी दिखा देंगे, वो सारे प्रूफ भी मिल जाते हैं और सरकार फिर भी मनने लई तैयार नहीं है इस सारी गल नूं और हर थां आधार की कॉपी लाउणी जिहड़ी आ लाजम कर दिंदी है। सुप्रीम कोर्ट का अज दा जिहड़ा फैसला बहुत अहम है। बिल्कुल दुरुस्त है गल कि 2019 दियां चोणां दे मद्देनज़र जिहड़ा आधार वाला इशू है उहदे विच दो तीन स्टैप पिछे चले गई बीजेपी इस फैसले दे आउंदिआं सार ही। सैकंड जिहड़ा उहदी डेटा दे लीकेज दा है ना मामला, वह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि तुहाडे सारे निजी बैंक खाते जो जो भी तुहाडी निजता है जिहड़ी जिहड़ी शेयर करन दा मतलब ही नहीं बनता किसी भी तरीके दे नाल, वो हाइक हो सकती है, चोरी हो सकती है, वो लीक हो सकती है, वो संकट अजे भी बरकरार ही है बावजूद इस दे कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट होर ने इनकम टैक्स दे मामले च थोड़ी जी आधार की जरूरत नूं
जरूरी समझा है और वो लागू रहेगी, पर बैंक जा मोबाइल फोन आए जा होर कुछ खासा लंबी डिटेल है वो सारे नुकते जड़े हैं कितने चाहिए और कितने नहीं, पर यह तीन मेजर गल् जड़िया ने इस फैसले दियाँ आईया ने उदे नाल जड़ा है नागरिक भारतीय लोग असी जड़े हाँ उन्हीं दी सुरक्षा डेटे दी सुरक्षा अजे सवालिया निशान हेठी है जी। पर सरकारी तौर पर पोलीटिकल तौर के उत्ते बीजेपी वास्ते थोड़ा जहा सैटबैक है, मैंने लगता यदा कोई ज़्यादा कोई सिद्धांतक जां कोई विचारक गल इस फैसले ते बनदी नहीं है, सिर्फ दो नुकते ही आ, एक बीजेपी नू बैक फुट ते धक्क दिता इस फैसले ने, गल्लां होणगियां चर्चा चलणगियां अगे तो अगे बीजेपी दी अडिग अडोलता और स्थिरता जिहड़ी स्टैंड जिहड़ा सीगा ओदी डावाडोलता जी सम आएगी पोलीटिकल फील्ड के 2019 के उत्ते नैचुरली एक बीजेपी वास्ते एक माइनस पॉइंट जिहड़ा है उन्हां दी सरकार दे खाते दे विच जुड़ गया आधार के बारे फैसला आने माइनस नहीं होगा तो घट्टो घट मोरली जिहड़ा आ ओह थोड़ा जिहा डाउन जरूर आएगी बीजेपी और मोरली जिहड़ा आ विरोधी तरह थोड़ा अप हुंदियां नज़र जरूर आउणगियां अदालत दे इस फैसले तो बाद। दूसरा फैसला भी खासा अहम है, नुकता बहुत अहम है, नौकरियों के राखवें करन दा मद जिहड़ा सीगा जिहनू लैके पिछले लंबे समय तो चर्चा भी चलती आ रही है। और राकेश नाथ जी एक जे गल कर लीए नागराज बनाम भारत सरकार 2006 का जिहड़ा मामला सीगा जिहदे तो बाद ये चर्चा छिड़दी है जिहनू लैके सुप्रीम कोर्ट के जिहड़ी है ये चर्चा आरंभ हुंदी है। एक तो थोड़ा जिहा चानना पा दिओ नागराज बनाम भारत सरकार केस है की है, तो दूसरा ये जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट ने नवे ऑर्डर दिते है कि वह बरकरार रहणगियां चीज़ां थोड़ियां बहुतियां मदां तब्दील कीतियां ने जसवीर असल दे विच जदों कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होया तां जिहड़ा तबका समाजिक तौर पर एजुकेशनली इकनोमिकली पोलिटिकली हर तरीके नाल पछड़िया सी उन्हां नूं कुछ खास मौके दे के आम धारा नाल जोड़ना सी ते इस करके इन्हां नूं सब कुछ कीता गया सी। चार तरह दी जसवीं रेजरवेशन आ गई सन, एक पोलीटिकल रेजरवेशन आ, दूसरे नंबर ते जिहड़ी सी ओह सी रेजरवेशन इन एजुकेशन सिक्ख्या दे विच वी इन्हां नूं जिहड़े ये तबका आ पिछड़िया होया इन्हां नूं कुछ खास मौके दे के फीसां घट करके जां कुछ खास सीटां दे के इन्हां नूं नाल लिआंदा जावे। तीसरा सी जसवीर रेजरवेशन जां रिप्रजेंटेशन इन इंपलॉयमेंट भी नौकरियों एक छोटा जिन्ना हिस्सा जिहड़ा आ इन्हां लई पक्का ही होवे। और जिहड़ा चौथा सी भी जे नौकरी च आ जांदे आ तां क्योंकि जिन्होंने संविधान बनाया सी जिन्हां दी स्टडी सी उन्होंने एक चीज़ देखी डॉक्टर अंबेदकर उन्होंने बई जिहड़े 5000 साल तो पिछे ने धकेले गए तो जे कल नूं इन्हां नूं कानूनन तौर पर नाल भी लिया दिता जाएगा ਤਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਇਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਵਰਸਸ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਬਈ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਐਸ ਸੀਜ਼ ਐਸ ਟੀਜ਼ ਓ ਬੀ ਸੀਜ਼ ਦਾ
हक बनता से उन्होंने दिता जाता है, सरकार बदलती है और रातों रात उन्होंने फिर डिमोट कर दिता जाता है। ये भी सब कुछ चलिया सी। ये सारे के चलते जसवीर फिर एक रिट पटीशन होंदी है जिसनों भारत में भारत सरकार वर्सस नागराज केस कहा जाता है। और लंबा समा चलता केस तो सुप्रीम कोर्ट दी वर्डिक्ट ये आती है कि जिहड़े एस सी एस टीज ने इन्हां नूं संविधान अनुसार इन्हां नूं प्रमोशन्स दे विच जिहड़ा कोटा इन्हां दा जायज़ आ, पर नाल उन्होंने शर्त रख दित्ती भी जिन्ना चिर भारत सरकार जां सरकारां दूसरियां सारियां इहदा अंकड़ा नहीं इकट्ठा करदियां भी जिहड़ी पछड़ापन आ समाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर वह किन्ना आ, उधर ये पूरा डाटा बेस तैयार किया जाएगा। और उस तो बाद जसवीर बड़ा वड्डा अड़िका सी एम्पलॉयज खास करके जो वर्ग जिहड़ा जिन्हों इहदा फायदा होना सी ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਆ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੰਕੜਾ ਪਿਆ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕੜਾ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਰਡਿਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਅੰਕੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭਰਾਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ 70 ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, 70 ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕੁਝ ਖੱਬੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਈਵਨ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਸਵੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਕ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਤਬਕਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ, ਅਸੀਂ ਖੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
सो वो कितना को असर बीजेपी के उत्ते पाएगी, क्योंकि पहले फैसले के वांग मैनू लगता 19 दे विच इस फैसले ने भी जिहड़ा असरकारक बनना है। या जसवीर बीजेपी का जो मामला मैं पहला वो उत्ते डिबेट डिस्कस करन तो पहला जे मैं बीजेपी का मामला ले लवां तो अज व्हाट्सएप के उत्ते उन्होंने इस गल नूं शेयर करना शुरू कर दिता कि इट्स ए हिस्टोरिकल वर्डिक्ट फॉर एससी एसटीज जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है प्रमोशन च रिजर्वेशन की कंटीन्यूएशन जी है लगातारता बनी रहे वो किसी तरीके की ब्रेक ना लगे इस फैसले नू इतिहासक दसद्या बीजेपी ने अपने वक्ो वक् जोड़े सैल ने उन्होंने नावों थले उन्होंने बैनर हेठ एक मैसेज शुरू कर दिता भेजना कि ये इतिहासक फैसला है जिद दलित उत्थान जोड़ा आ जुड़िया होया जिहदी चिंता तुसीं जाहर कीती है कि उन्हां दे उल्टा पएगा वो इस गल नूं अपने फेवर च बनाउणा भी शुरू करता जे फैसला बाद च आया बनाउणा पहलां शुरू हो गया जी अकाउंट तैयारियां शुरू हो गईयां सो वो डिबेट सैकंड यह है कि सोसाइटी दे विच इहदे नाल नॉट इहदे नाल एक डिबेट पैदा हो जाणी है हुण वो डिबेट भी उस मिडल क्लास लई जिहड़ी 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 मिडल क्लास नौकरी पेशा है जिहड़ी मिडल क्लास ने सोसाइटी दे विच जिहड़ा है एक डिस्कोर्स पैदा करना हुंदा है किसी भी इशू नूं लै के उहदे पॉजिटिव नैगेटिव उहदे फेवर च उहदे विरोध दे विच जिहड़ी धड़ेबंदियां भी होणियां आ नैचुरली आ ओबवियसली धड़ेबंदियां पैदा होणियां ही आ जिहड़े लोक नहीं चाहुंदे। सैकंड जिहड़ा 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 एक पूरा डिबेट चल रहा ना जिवें पछड़ियां जातियां जिवें पटेलां ने कर दिता जिवें जाट रिजर्वेशन दे उत्ते लगे हुए आ सो उन्हां अंदोलनां नूं भी तूल मिलेगी वह भी तूल फड़नगे कि जे ये है तो असीं क्यों नहीं मतलब उन्हां दा उहनूं हवा हवा होएगी उन्हां अंदोलनां नूं फिर दोबारा क्योंकि ना तो जाट जे वापस होया अंदोलन ना पटेलां दा अंदोलन वापस होया हैगा जिहड़ी रिजर्वेशन वर्सिज जनरल सोच आ वो तो है ही है लड़ाई चलनी रही है वो तो लगातार जारी हुई आ मतलब रिजर्वेशन प्रमोशन की रिजर्वेशन की कंटीन्यूएशन होवे ना होवे उहदा विरोध जरूर कंटीन्यू इसलिए चल रहा है और खास करके जिहड़े नौकरी पेशा लोग ने जिहड़े जॉब्स ने नॉट ओनली मतलब गवर्नमेंट जॉब ईवन इन प्राइवेट जॉब्स भी तुसी मतलब लोगों का बिहार जिहड़ा है ना जसवीर वो अजे बदलिया नहीं सगों होर गाढ़ा होया जिस वेले एथनिक आइडेंटिटीज़ दी पॉलिटिक्स ऑल ओवर इन द ग्लोबल एरिया एथनिक आइडेंटिटीज़ दी पॉलिटिक्स शुरू हुई तो उहदे नाल होर पकेरा होया जी कबीर पंथी ने ये रविदासीए ने ये फलां भाईचारे ये दादू दयालीए ने ये राधा स्वामी ने उन्होंने स्पेस दी गई और वह फिर होर ज़्यादा प्रफुल्लित होए और इस गल दी देखो जिहड़े थिंकर हुंदे ने कई बार कैसी गल है कि शहीद आजम भगत सिंह किरती दे विच अपने आर्टिकल लिखते हुंदे सीगे किरती मासिक उस वेले मैगजीन छपदा सी किरती पार्टी वाले बाबे गदरी बाबिया के एक्सटेंशन जिहड़ी अगली कड़ी सीगी किरती पार्टी हुई है तो वह किरती दे विच उन्होंने एक आर्टिकल लिखा विद्रोही दी ना कलम तो लिखते हुंदे सी नाम उन्होंने विद्रोही रख्या होया सी अपना तो उहदे विच एक अछूत का सवाल एक आर्टिकल है उन्हों का उस आर्टिकल दे विच उस वेले जिहड़ी 1925 तो 31 तक की एक मूवमेंट है आ धर्ममंडल मूवमेंट जिहड़ी गदरी मंगू राम मुगोवालिया वालों चलाई जा रही है उस मूवमेंट का एनालिसिस कर रहे ने उह तां उह ये कह रहे ने कि तुहाडे दुख जायज़ ने तुहाडे नाल अनटचेबिलिटी हो रही है तुहानू कोई लागे नहीं लगन दे रहा ना हिंदू ना सिख ना ईसाई ना कोई होर तुहाडे नाल अस्पर्शता जिहड़ी आ अछूत छुआछात जिहड़ा हो रहा है मैं तुहाडे दुख दे विच नाल सहमत हाँ मैं तुहाडे नाल खड़ा हाँ मैं इस नूं महसूस कर सकदा हाँ मैं इनू नशर कर रहा इस आर्टिकल दे विच की कर रहा सिख की कर रहा हिंदू की कर रहा होर किवें कर रहा तुहानू यूज़ कर रहा बट जिहड़ी तुहाडी आ धर्म मंडल मूवमेंट आ किते वो एथनिक पहचाना दी राजनीति दा शिकार ना हो जावे और अज असी उस गल दे एनालिसिस कर सकते हैं कि उन्हां दी पेशीन गोई अज सच होण दी है 1931 दा लिखिया होया आर्टिकल अज सच हो रहा उन्हां दा कि हाँ यार कोई इन्नी गहराई च जा के मतलब 100 साल बाद
थोनू पता लग रहा कि एथनिक पहचान दी कॉन्सपिरेसी जी है वो सोसाइटी दी डिवीजन विद इन दलित जी डिवीजन है कई सू सवाल कर देंगे ने कि ये दलित आपस में ही नहीं मेल खाते हो सो दैस उस कॉन्सपिरेसी तो बचना जड़ा ना बहुत मुश्किल सी सो उन्हें इस डिवीजन होर पकेरिया किया और लोगों के मन नफरत लिया आ फैसला नो डाउट एस सी एस टीज़ के फेवर च है पर समाजिक तौर के उत्ते उन्होंने फेवर च नहीं है समाजिक तौर के उत्ते इस फैसले ने हलचल पैदा करनी है यस और हलचल भी कह रही नहीं है साड़ी सोसाइटी इन्नी और जिस तरह तरीके दे नाल ईवन बीजेपी दे बोलों पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेडी जा रही है इस टाइम उस वेले होर इतिहासक जड़ा है मैं लगता फैसला हो जाता है बहरहाल दूसरा नुकता सीगा वो मैं हुण आनंद होरां दे कोल सांझा कर लैणा तुसीं डिटेल दे विच जड़ा वो तरक्की दे विच राखवीकरण बाबत फैसले दी टिप्पणी कर दित्ती है लाइव टेलीकास्ट दा जड़ा फैसला सुनाया गया आनंद जी उहदा की नफा ते की नुकसान हुंदा तुहानूं नज़र आ रहा है जसवीर देखो जे लाइव टेलीकास्ट हुंदा आ ते मैनूं लगदा वी लोकां दे विच नॉलेज आएगी प्रोसैस दा पता लगेगा और जे मैं बहुत छोटा जा फायदा ये दसा जसवीर भी अपने जिहड़े आम लोग है ना आम वो अदालती कार्रवाई नू जिहड़ी है ना उन्हां तक फिल्मां तक ही फिल्मां राही पहुँची आ भी वो एक इदां बहस हुंदी आंदी और ये एक एजुकेशन होगी इनफोरमल एजुकेशन लोगों तक पहुँचेगी भी असल दे विच किद्दां चल रही है और जिहड़ा जसवीर जिहड़ा मेन इहदा फायदा वो ये आई कोई भी चीज़ लुकवी नहीं रहेगी किन्ने की किया किस तरह किया मैनूं लगता इहदा फायदा तो है आ खास करके मेन जिहड़ा फायदा जसवीर वो एजुकेशन का आ लोग जिहड़ी जनता आ उन्हां नूं इनफॉर्मल एजुकेशन मिलेगी मैनूं लगता आनंद साहब की कंटीन्यूएशन ही है इन्हां दे नुकते की बट फायदा इस करके भी जसवीर मसलन आपां हुणे रिजर्वेशन के इशू नूं डिस्कस किया साडे कोल इन्ना टाइम नहीं आ अदालती कार्रवाई किन्ने वरे चली है ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੂਆਛਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਡਾਟੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਛੂਆਛਾਤ ਦੀ ਉਹਦਾ ਫੋਰਮ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੋ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਈ ਹੋਣਗੀ ਸੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਦਹੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰੀ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਝਾੜ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਿਸੋਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਫਰੇਮ
नहीं रहेगा। फिलहाल आप छुटकी ब्रेक लैन जा रहे हैं, ब्रेक तो बाद फिर मिलते हैं, देखते रहो चक देती।